अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लांट हार्मोन की सीरीज में हमने एब्सिसिक एसिड स्टार्ट किया था, जिसमें स्ट्रक्चर और उसकी डिस्कवरी क्या होती है ये पार्ट हम कर चुके थे। आज का लेक्चर जो है बेसिकली साइट ऑफ सिंथेसिस एब्सिसिक एसिड की क्या है, बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है, कैसे ट्रांसलोकेट होकर के अपनी साइट ऑफ सिंथेसिस से रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में, प्लांट के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में जाता है, इसकी बात करेंगे और साथ में फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस की। जैसे कि आपने इसी से एब्सिसिक एसिड से मिलता जुलता एक टर्म सुना है एब्सिशन, ठीक है। उसमें जो एब्सिशन, जब एब्सिशन जोन पढ़ा रही थी कि वैसे तो सभी में जैसे फ्रूट्स की मतलब कि फ्रूट्स की जो स्टॉक होती है उस पर भी फॉर्म होता है, ठीक। या फिर अगर जो मेजरली कहें तो वो एब्सिशन जोन कहाँ पे फॉर्म हो रहा था, बेसिकली लीफ पर ही तो फॉर्म हो रहा था। तो होता क्या है कि यूजुअली कहा जाए तो प्लांट के हर वो सेल जिसके पास प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उन दोनों ही जगह पर जहाँ जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पर एबीए की सिंथेसिस हो सकती है, ठीक है, या एबीए की वो मेन साइट ऑफ सिंथेसिस हो सकती है। अब अगर बात करें तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा अगर अमाउंट कहा जाए, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट कहा जाए कि क्लोरोफिल का कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो मेजर साइट ऑफ एबीए की है एब्सिसिस एसिड की सिंथेसिस की, तो वो मेजर साइट कौन सी हो गई, लीफ हो गई, ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है लीफ। अदरवाइज जितनी भी सेल्स हैं चाहे वो प्लास्टिड है, दैट मीन्स कि रूट्स में भी फॉर्म हो रहा होगा, अगर नॉर्मल कोई स्टेम की कहें तो वहाँ पर भी फॉर्म हो रहा होगा अगर वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अदरवाइज जो मेजर साइट अगर पूछा जाए, ऑप्शन में अगर मेजर साइट पे पूछा जाता है या तो इस सेल के मतलब कि सेलुलर लेवल पे पूछा जाए, तब तो वो हर सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिक प्रेजेंट है वहाँ पर एबीए की सिंथेसिस हो सकती है। या फिर अगर ऑप्शन में ऑर्गन वाइज पूछा जाएगा तो लीफ ऑप्शन जरूर दिया गया होगा, तो वहाँ पर आप लीफ टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है ट्रांसलोकेशन की बात। ट्रांसलोकेशन यानी कि लीफ में सिंथेसिस तो हो गई, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के पास कैसे पहुँचेगा, राइट। तो लीफ से ही शूट एपिसिस तक जाता है थ्रू कंडक्शन, मतलब जो भी कंडक्टिंग चैनल्स हैं प्लांट के पास उसके थ्रू जाएगा, दैट मीन्स कि वो वैस्कुलर बंडल्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो भी वैस्कुलर बंडल्स में कौन, जाइलम या फ्लोएम। जब हमने ऑक्सीजन पढ़ा था तो उसमें हम पोलरली ट्रांसपोर्टेशन उसका पढ़ रहे थे, या अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें, ठीक है, तो वो रूट में सिंथेसाइज हो रहा था बट जा कहाँ रहा था, एपिकल मतलब कि एपेक्स की तरह, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन की बात पढ़ते थे तो वो एपेक्स पे यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम पे फॉर्म होता था और जाता कहाँ पे था, रूट की तरफ, ये बेसिपिटल माना था, ठीक है। उसी तरह से अगर एबीए की बात करें तो मेजर साइट जो सिंथेसिस की हो गई वो क्या हो गई, लीफ हो गई, एंड द रेस्ट ऑफ द मतलब पार्ट्स के पास कैसे जाएगा, जाइलम के साथ भी और फ्लोएम के थ्रू भी कंडक्शन इसका होता है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन बाय बोथ वैस्कुलर बंडल्स, दैट मीन जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट वन आता है बायोसिंथेटिक पाथवे। अगर बायोसिंथेटिक पाथवे, तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो एबीए बेसिकली एक सस्क्यूटरपिन है। सस्क्यूटरपिन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर कार्बन का नंबर 15 है, ठीक है। टर्पिन मतलब टर्पिन चूंकि बेसिकली एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसकी सिंथेसिस किसके थ्रू होती है, मेवालोनिक एसिड पाथवे के थ्रू, ठीक। ऐसा ही सेम पाथवे आपने जिब्रालिन में भी पढ़ा था, साइटोकाइनिन में भी पढ़ा था, ठीक है, वही सेम काइंड ऑफ, बल्कि जितने भी हार्मोन है ना उनमें कहीं ना कहीं यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो पाथवे है, टर्पिनोइड पाथवे कहें या मेवालोनिक एसिड पाथवे, इसी के थ्रू किसी ना किसी इंटरमीडिएट से ही ये जो सेकेंडरी मतलब कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का पाथवे है, इसी के ही इन्हीं के इंटरमीडिएट से हार्मोन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें एबीए के बायोसिंथेटिक पाथवे की, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बस ये टर्म याद रखिए कि एबीए की सिंथेसिस किस पाथवे के थ्रू होती है, मेवालोनिक एसिड पाथवे के थ्रू, और ये चलता कहाँ पर है, तो ये बेसिकली प्लास्टिड में या क्लोरोप्लास्ट में या फिर साइटोसॉल में, मतलब कि कुछ स्टेप साइटोसॉल में होते हैं, कुछ स्टेप
प्लस स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है या प्रिकर्सर की बात करें तो वो क्या है, 15 कार्बन कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट, FPPP लिखा हुआ है। ये बेसिकली फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट है। और ये कहाँ से बना है, ये बेसिकली जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, दैट मीन्स वो जो 5 कार्बन कंपाउंड था आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है, तो उसी से टर्पीन्स बनते हैं। टर्पीन का ही जब सिंथेसिस हो रही होती है तो उसी में से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जब कार्बन 15 पर पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि आपने जब जिब्रालिन पढ़ा था तो वो क्या बेसिकली था, एक टेट्रासाइक्लिन डाइटर्पीन था। ये क्या है, सिस्क्यू टर्पीन है। वहाँ पे कार्बन का नंबर क्या था, 20 था, यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या है, 15 है, राइट। तो फर्स्ट इज द प्रिकर्सर, या ये कहे कि इनिशियल मॉलिक्यूल कहाँ से स्टार्ट होती है वो साइकिल ABA की सिंथेसिस के लिए, तो वो FPP है, दैट मीन्स फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट अगेन मूव ऑन करता है जेंथोफिल साइकिल के थ्रू। जेंथोफिल साइकिल थ्रू के थ्रू का मतलब क्या हुआ कि जेंथोफिल की ही जो जियाजेंथेन, वायोलाजेंथेन एंड एंथेराजेंथेन है, इन्हीं फॉर्म्स में से कुछ फॉर्म्स बनती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा आपका। जेंथोफिल साइकिल के थ्रू चलता है। अब चूंकि ये दोनों ही साइकिल, इसका तो अननोन पूरी तरह से नोन नहीं है, बट ये दोनों ही साइकिल मतलब कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये हो कहाँ पे रहा है, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड में, ठीक है। रेस्ट ऑफ दी अगर जेंथोफिल साइकिल के बाद की बात करें तो जेंथोफिल साइकिल से फिर क्या फॉर्म हो रहा है, ABA-aldehydic फॉर्म, ठीक है, ABA-aldehyde से। और क्योंकि साइटोसॉल में बेसिकली एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है ना, और ये भी कह सकते हैं कि जब भी रिडक्शन होता है एल्डिहाइड से, मेरे से ज़्यादा केमिस्ट्री आप सबको पता है कि एल्डिहाइड से जब भी रिडक्शन होगा तो क्या बनता है, एल्कोहल, एल्कोहल का फर्दर रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है। तो सेम काइंड ऑफ जेंथोफिल साइकिल के बाद में ये मूव करके जाता है, जो भी इसका लास्ट प्रोडक्ट है जेंथोफिल साइकिल का, मूव करके जाता है साइटोसॉल में और वहाँ पे सिंथेसाइज करता है ABA-aldehydic फॉर्म, ठीक है। फिर ABA-aldehydic फॉर्म रिड्यूस होकर के अल्कोहलिक फॉर्म बनाता है एंड फाइनली एक और बार रिडक्शन करके ABA या फिर अब्सिसिक एसिड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेस कहाँ पे चल रहा था, ये साइटोसॉल में हो रहा था, ठीक। नाउ ये तो तीनों की बात हो गई, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रोल की, ठीक, कि ABA का प्लांट में क्या रोल वो प्ले कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ पहले से ही बता चुकी हूँ, एक एक करके लेते हैं सारा। सबसे फर्स्ट वन की बात करें तो सीड डोरमेंसी, ठीक है, सीड डोरमेंसी, क्योंकि जब रिसर्चर्स चल रही थी तभी ये था कि अदर प्लांट्स में इसको डोरमिन के नाम से जानते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बड डोरमेंसी में एक मेन प्लेयर की तरह काम कर रहा था, या ये कहेंगे उसमें उसी की वजह से जो बर्ड्स थी वो बजाय फ्लावरिंग करने के वो डोरमेंट फेज में चली जा रही थी, ठीक है, डोरमेंस शो कर रही थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका ABA का फिजियोलॉजिकल रोल जो मेन है वो किस में है, पहला रोल जो है वो सीड डोरमेंसी में है। सेकेंड वन इज इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, लास्ट वाला डिस्कवरी बता रही थी, तब उसमें बताया था कि जो अभी तक आपने जितने प्लांट हार्मोन पढ़े थे उसमें क्या था कि ज़्यादातर क्या ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, जबकि ABA एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, इसके फंक्शंस को, मतलब इसके ज़्यादातर फंक्शन कौन से वाले हैं, जो इनहिबिटरी रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सीड जर्मिनेशन में ये इनहिबिशन मतलब इनहिबिट करता है, उस प्रोसेस को होने नहीं देता, ठीक। और कैसे होने नहीं देता, क्योंकि अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं जब कभी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो ज़रूरी क्यों है, बेसिकली होता क्या है कि प्लांट के पास हमारे जैसा तो AC और अच्छा सा रूम तो नहीं है, है ना, तो वहाँ पर क्या केस है कि वो अपने आप को कोप अप कैसे करेगा, है ना, सराउंडिंग जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनसे कैसे बाहर आएगा। तो सिंपल है कि यानी कि वो अपने में ही तो कुछ चेंजेस करेगा, सिंपल है सीखने वाली बात, हमें अपने में ही कुछ ना कुछ चेंजेस लाने चाहिए अगर हमें सराउंडिंग्स बेहतर बनानी है। खैर, तो ये करता क्या है कि जो अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस है, जो कि सीड जर्मिनेशन में मेन प्लेयर की तरह था, ठीक, उसी की वजह से सीड जर्मिनेशन हो रहा था, वहाँ पे जो भी स्टोर्ड फूड मटेरियल था उसकी क्या ब्रेकडाउन होता था, ठीक, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, सीड जर्मिनेशन वाला वीडियो आप देख लेना।
तो ये क्या कर रहा है, एबीए क्या कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, एबीए का जो अमाउंट है वो सीड के सीड में, मतलब ये जो जर्मिनेटिंग सीड है उसमें कम हो जाएगा, एंड देन सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस होने लगेगी और जितना भी स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन होने लगेगा। नेक्स्ट वन इज प्रीमैच्योर लीफ फॉल एंड फ्रूट फॉल। इसकी अगर हम बात करें तो ऑब्सेशन जो है ये बेसिकली क्या है, प्रीमैच्योर लीफ है ना। तो ऐसा कब हो सकता है, जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन आती है। अब प्लांट के पास क्या ऑप्शन तो है नहीं कि वो मूव करके कहीं और चला जाए, ठीक। तो वो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन रेट थोड़ा कम कर दे क्योंकि पहले से ही पानी कम है। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि लीव्स को गिरा देता है, ठीक है। या फ्रूट्स पेड़ पर ही लगे लगे अगर लगा ही रहेगा, उसे कोई तोड़ेगा नहीं, तो क्या होगा, उसी में रॉटन, मतलब उसका ये कह सकते ना, उसी में पक भी जाएगा, पक के सड़ भी जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, वहाँ पे ऑब्सेशन होता है। तो बेसिकली ऑब्सेसिक एसिड इज अ मेन प्लेयर इन ऑब्सेशन फिनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रमोट सेनेसेंस। जितने भी देख सकते हो आप कि डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ के जो अगेंस्ट वाले हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं प्लांट के, उन सब में एबीए एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे प्रमोट सेनेसेंस, यानी कि सेनेसेंस को कुछ पार्ट्स, जैसे मैंने बताया था कि पत्तियाँ सूख गई हैं, ठीक है, तो वो ढोने वाली बात हो जाएगी, तो उसको प्लांट से अलग कर देना ही उस पेरेंट प्लांट के लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो यानी कि एबीए का क्या काम क्या है कि वो सेनेसेंस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन इज द डिले इन सेल डिवीजन। जैसा साइटोकाइनिन कर रहा था उसका ये जस्ट अपोजिट करता है, या जैसा ऑक्सिन कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट, क्या कि ये ना तो सेल डिवीजन में, मतलब उसको किसी तरह से सेल डिवीजन को या सेल एलोंगेशन को डिले करने की कोशिश करता है। कौन, एबीए। कब करेगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, किसके पास, प्लांट्स के पास, ठीक। नेक्स्ट वन इज मेजर रोल इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में कैसे, कि ट्रांसपिरेशन रेट कम करनी हो, या फिर नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ाऊंगी उसमें एंटी ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ये नेक्स्ट वाला आप देख सकते हो कि एक्ट एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या का क्या मतलब है, बेसिकली जो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर दे कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस, वो नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। जब स्टोमेटल फिजियोलॉजी बता रही थी तभी भी मैंने बताया था ये वाले बात, है ना, तो वही या ट्रांसपिरेशन जब पढ़ाया था, ठीक। तो इसी तरह से जो एबीए है वो कैसे एक्ट एज अ नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट, कैसे परफॉर्म कैसे करता है, क्योंकि वो टेम्पररी क्लोजिंग कर देता है किसकी, स्टोमेटा की, अगर पानी की पहले से ही कमी है, ठीक। ऑब्सेशन करके उसने लीव्स तो कुछ तो लीव्स गिरा दी, लेकिन सारी की सारी लीव्स तो नहीं गिरा सकता क्योंकि अदरवाइज वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो वहाँ पे सर्वाइवल चांसेस भी बरकरार रहे और मतलब प्लांट भी ऐसा बना रहे, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है कि स्टोमेटा को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दे, ठीक है, टेम्पररी। इसीलिए लिखा हुआ है कि एंटी ट्रांसपेरेंट एक्ट कैसे करता है, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। जो मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म है वो इसी के बेसिस पे एक्ट कैसे ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह एक्ट करता है, उसी के बेसिस पे बताएंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। द लास्ट वन इज अ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये तो हर ही हॉर्मोन में लगभग, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, कहीं ना कहीं वो जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट या फिर ये कह सकते हैं रेगुलेट करता ही करता है। कोई ना क्यों जीन एक्सप्रेशन से कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन है या मेटाबॉलिज्म है, वो ज़रूर अफेक्टेड होती है ना। तो इस तरह से रेगुलेशन मतलब कि जो एब्सेसिक एसिड है वो जीन एक्सप्रेशन में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर इसमें से कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।